अत्याधुनिक बंदूकें जो वीआईपी की सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी एनएसजी इस्तेमाल करती है, ये दो बंदूकें बहुत खास है। क्या खासियत है 5.56x30mm जेवीपीसी और 7.62x39mm त्रिका में, और ये समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। सर, इन दोनों बंदूकों के बारे में एक एक करके बताइए। सबसे पहले जेवीपीसी क्या है? So, JVPC is Joint Venture Protective Carbine. This carbine is developed with the help of ARDE Pune DRDO Laboratory. So, it is developed by Small Arms Factory Kanpur. So, generally NSG and VIP Security. So, they use Heckler Koch MP5, MP7. It is a 9x19mm caliber. Those guns they are using, they are importing from West Germany. So, as a indigenization part to cut down that import. So our Ordnance Factory has manufactured two carbines. One is 5.56x30mm JVPC, Joint Venture Protective Carbine. Its weight is just 3 kg only. It manufactures it uses 5.56x30mm rounds. So this is also thoroughly tested by Indian Army, tested by Central Armed Police Forces, and limited quantity it is given to Central Armed Police Forces and State Police also. और त्रिका क्यों खास है? ये कोर्ट के अंदर बंदूक रख ली जा सकती है और ये है बंदूक बहुत घातक। सर, सो दिस इज लाइक इन रशिया इट इज लाइक AK-74U, सो दे यूज 5.45x39mm अम्युनिशन, बट वी आर यूजिंग 7.62x39mm अम्युनिशन लाइक AK-47। सो मेनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस लाइक CRPF, BSF, स्टेट पुलिसेस, दे आर यूजिंग AK-47। इस तरह वीडियो थी खत्म। तो देखें आप कि भारत में इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मोदी जी इतना वर्क कर रहे हैं, भले सब लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है भाई। इंटरनेशनल लेवल के काम हो रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। आज उसके दिन मोदी जी हैं, मोदी जी को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं।